हाय गाइस, अभी के टाइम में अगर हम देखें इंडिया के म्यूज़िक इंडस्ट्री में तो हिप हॉप सेक्टर बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है अभी के टाइम में। खास करके 2017-18 के बाद से हिप हॉप बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हो रहा है और ये धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही है। तो अगर आप सबको याद होगा, एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी रफ्तार वर्सेज एमिवे, और उसका होल पॉइंट यही था कि रफ्तार ने बोला था क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं। बी ऑनेस्ट विद मी, एमिवे जो है वो अपनी तरफ से सब लगा हुआ है, कर रहा है, बट ही इज नॉट अर्निंग राइट नाउ। वो जब बहुत सारा अपना खड़ा कर लेगा, एक एम्पायर होएगा, तो उसको शोज के मिलेंगे। डिवाइन कर रहा है बिकॉज उस पर मूवी बन रही है, सब कुछ हो रहा है, पर उसकी हार्ड वर्क की वजह से वो पोजीशन क्यों नहीं है गुरु की। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है, क्योंकि अगर आप क्लोज लुक लेके देखो तो ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बूम तो कर रही है, बट ये बात बहुत सच है कि अभी भी बहुत ज्यादा इस सेक्टर में अभी खास करके पैसा नहीं, क्योंकि अभी ये इवॉल्व कर रहा है। मे बी अभी कुछ आने वाले टाइम में ये बहुत सही तरीके से इवॉल्व कर जाएगा, उसके बाद इसमें बहुत पैसे होंगे, बट अभी के टाइम पे उतना नहीं है इन कंपैरिजन टू अदर जॉनर्स। बट वही, अभी ये सबसे ज़्यादा बूम कर रहा है तो इसका फ्यूचर शायद बहुत ज़्यादा ब्राइट है इन कंपैरिजन टू अदर्स। तो मेन स्ट्रीम में तो बहुत सारे रैपर्स हैं, उनको सब लोग जानते ही हैं, और शायद पैसा भी सबसे ज़्यादा मेन स्ट्रीम वाले ही कमाते हैं। बट ऐसा नहीं कि अगर कोई मेन स्ट्रीम में है या फिर अगर आप बस उसे जानते हो तो वो बहुत अच्छा ही है। उससे भी बहुत अच्छे अच्छे रैपर्स हैं जो शायद अंडरग्राउंड सीन में है, शायद उनको उतना ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिला है, बट वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में होपफुली उनको अपने काम का नतीजा ज़रूर मिलेगा। तो आज का हमारा होल पॉइंट है कि पैसों को लेकर है, कि आखिर रैपिंग में कितने लोग कितना पैसा कमा पा रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम टॉप 5 इंडियन रिचेस्ट रैपर्स के बारे में बात करने वाले हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को मजा आएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे टॉप 5 इंडियन रिचेस्ट रैपर के लिस्ट में 5th नंबर पे आते हैं सिद्धू मूसेवाला, जिनकी नेटवर्थ अराउंड 44 करोड़ है, जो कि $6 मिलियन के इक्विवेलेंट है। वो एक पंजाबी रैपर हैं जिनका जन्म पंजाब के एक सिख परिवार में हुआ था, और वो अपने पंजाबी गानों के वजह से पूरे दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। उन्होंने अपने गाने की करियर की शुरुआत जी वैगन नाम के गाने से की थी, और उनका एक गाना सो हाई है जो कि यूट्यूब पे अराउंड 370 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है। सिद्धू मूसेवाले के अपने यूट्यूब चैनल पे अराउंड 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, और उनके इंस्टाग्राम पे अराउंड 5.5 मिलियन फॉलोअर्स मौजूद हैं, और ये इंडिया के टॉप 5 रिचेस्ट रैपर्स में 5th पोजीशन पे आते हैं। हमारे लिस्ट में 4th नंबर पे आते हैं डिवाइन, जिनकी नेटवर्थ अराउंड 75 करोड़ है, जो कि $10 मिलियन के इक्विवेलेंट है। अगर कोई भी इंडिया में हिप हॉप सुनता है तो वो फिर डिवाइन का नाम तो ज़रूर जानता होगा। इनका जन्म 1991 में मुंबई में हुआ था, और ये आज के टाइम के वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंडियन रैपर हैं। इन्होंने अपना सबसे पहला गाना अपने ऑफिशियल यूट्यूब पे जो डाला था, उसका नाम था ये मेरा बॉम्बे, और उसके बाद उन्होंने 2015 में निजी के साथ मिलके एक बहुत ही गजब का गाना बनाया था मेरे गली में, जो उस टाइम में मुंबई का एंथम बन गया था, और इस गाने ने डिवाइन को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी दी। सोनी म्यूजिक इंडिया ने उन्हें साइन भी किया था, और वो उसके अंडर बहुत दिन तक उन्होंने अपने गाने निकाले, और उसके बाद रिसेंटली उन्होंने सोनी म्यूजिक इंडिया छोड़ दिया, क्योंकि वो अपना खुद का लेबल गली गैंग स्टार्ट करना चाहते थे, और रिसेंटली उन्होंने अपना एक पुण्य पाप नाम का एल्बम निकाला था जो कि बहुत ही कमाल का था। अगर आज के टाइम में कोई हार्डकोर हिप हॉप पसंद करता है तो शायद डिवाइन उनके लिस्ट में टॉप पे होगा। इसके अलावा डिवाइन और निजी के लाइफ से इंस्पायर होके गली बॉय नाम की मूवी भी आई थी, और इसमें जो गाना है मेरे गली में, इस गाने को भी डिवाइन ने रणवीर सिंह के साथ मिलकर गाया है। तो ये थे हमारे लिस्ट में 4th नंबर पर इंडिया के 4th रिचेस्ट रैपर विवियन डिवाइन। टॉप 5 रिचेस्ट इंडियन रैपर में 3rd नंबर पर आते हैं रफ्तार, जिनकी नेटवर्थ अराउंड 110 करोड़ है, जो कि $15 मिलियन के इक्विवेलेंट है। इनका असली नाम दिलीन नायर है, और इनका जन्म 1986 में दिल्ली शहर में हुआ था। ये एक रैपर, सॉन्ग राइटर और प्रोड्यूसर हैं,
और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत हनी सिंह के साथ मिलकर माफिया मुंडेर नाम के ग्रुप के साथ की थी। बट इसके बाद वो माफिया मुंडेर से अलग हो गए थे और अपने सोलो करियर पे ध्यान दिया और आज के टाइम में वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रैपर्स इन इंडिया हैं। उनके ज़्यादातर गाना जी म्यूज़िक कंपनी के यूट्यूब चैनल से आता है या फिर उनके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अराउंड 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और इंस्टाग्राम पे अराउंड 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं। हमारे लिस्ट में सेकेंड नंबर पे आते हैं बादशाह, जिनकी नेटवर्थ अराउंड 125 करोड़ है, जो कि 17 मिलियन डॉलर के इक्विवेलेंट है। बादशाह का असली नाम आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया है और इन्होंने भी अपने करियर की शुरुआत हनी सिंह के साथ मिलकर उनके क्रियू माफिया मुंडेर में करी थी। उनके हनी सिंह के साथ बहुत सारे गाने हैं बट बाद में आगे चलकर वो भी माफिया मुंडेर से अलग हो गए थे क्योंकि कुछ उनके बीच में इश्यूज हो गया था। बादशाह का कहना था कि हनी सिंह ने उन्हें प्रॉपर राइट्स नहीं दिए, उनका गाना था पर उनको कोई भी क्रेडिट नहीं दिया गया और इसी से नाराज होकर बादशाह माफिया मुंडेर से अलग हो गए और अपने सोलो करियर पे ध्यान देने लगे। तो चलो अब बारी आती है इंडिया के सबसे रिचेस्ट रैपर की, तो नो डाउट वो योयो हनी सिंह है। उनकी नेटवर्थ अराउंड 183 करोड़ है, जो कि 25 मिलियन डॉलर के इक्विवेलेंट है। इंडिया में रैप तो बहुत पहले से हो रहा था बट रैप को घर घर तक पहुंचाने का, आम जनता को रैप के बारे में अवेयर करने का काम हनी सिंह के गानों ने किया। 2011 से लेकर 15 तक उन्होंने रूल किया है इंडिया के मेनस्ट्रीम हिप हॉप इंडस्ट्री पे। उनके हर गाने वायरल जाते थे उस समय, उन्हें ब्लूटूथ किंग कहा जाता था क्योंकि उनके गाने इतने ज़्यादा शेयर होते थे उस समय, जबकि इतना ज़्यादा इंटरनेट पॉपुलर नहीं था तो लोग ब्लूटूथ से लिया करते थे। उसके अलावा उस टाइम पे भी जब उनके गाने रिलीज़ होते थे तो इतने ज़्यादा डाउनलोड्स हुआ करते थे कि वेबसाइट क्रैश हो जाया करती थी। तो नो डाउट योयो हनी सिंह इंडियन हिप हॉप में वन ऑफ द बिगेस्ट नेम है और इसी रीज़न के वजह से वो इतने रिचेस्ट भी हैं। तो ये थी हमारी टॉप 5 रिचेस्ट इंडियन रैपर की लिस्ट। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में जितने भी हमने स्टैट्स दिए हैं ये सब इंटरनेट से कलेक्टेड थे और टाइम टाइम पे ये लिस्ट फ्लक्चुएट भी करती रहती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। हम इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ रेगुलरली लाते रहते हैं हिप हॉप से रिलेटेड। थैंक यू, गुड बाय।